देवास में अभी तक मंत्री जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करते आए हैं। यह पहला मौका था जहां पुलिस अधीक्षक ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य किया। यहां पर बड़ी बात यह रही कि पुलिस अधीक्षक ने जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किया वैसे ही उनका ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जनप्रतिनिधि का आगमन गाँव में हुआ हो और क्षेत्र की जनता उनके इस तरह से आने से भाव विभोर हो गई हो। पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर चौपाल में लोगों की समस्याएं भी सुनी और पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी किया गया। इसके साथ ही शासकीय विद्यालय में गए जहां छोटे बच्चों को पढ़ाई कराकर गणित विषय के मूल मंत्र पढ़ाए। बच्चों को अधीक्षक ने टॉफी भी वितरित की और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर कामना भी की। इस अवसर पर एडिशनल SP जगदीश डावर भी मौजूद रहे, साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विशेष बिंदु है आज देवास पुलिस में हम लोगों ने ग्राम दत्तोत्तर थाना विजयगंज मंडी से पुलिस जन चौपाल का एक शुभारम्भ किया है। इस पुलिस जन चौपाल में ग्रामीणों की अपनी समस्या है, वो पुलिस की समस्या है तो है ही सही, साथ में उनकी अन्य समस्याएं जैसे उनकी खेती किसानी की समस्याएं, उनकी मजदूरी की समस्याएं, विधवा पेंशन समस्याएं, उनकी खाद बीज की समस्याएं, इन सब समस्याओं को लेकर हम इनके बीच आए हैं। और हमने ये कहा है कि जो समस्या पुलिस विभाग से होगी उनका हम मौके पर निराकरण करेंगे, अन्य विभागों की समस्याओं को हम उन विभागों को भेजेंगे, जिला कलेक्टर के साथ हम लोग बैठेंगे और उन समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण हो, इन सब उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमने देखा है कि ग्रामीण जन अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय तक आते हैं और उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से उनको न गुजरना पड़े, इसलिए हम खुद उनके द्वार तक आएँ ताकि उनकी समस्याओं का उनके घर पर, उनके ओटले पर, उनके खाट पर बैठकर उनका समाधान कर सकें। कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ है अभी? यहाँ समस्याएं तो लगभग हमारे पास 100 से ज़्यादा समस्याएं आई हैं और कुछ समस्याओं का हमने लगभग 10-15 समस्याओं का निराकरण भी किया है। कुछ रिवेन्यू की समस्याएं हैं, कुछ महिलाओं ने कहा है कि उनकी विधवा पेंशन नहीं मिल रही, कुछ बच्चों ने कहा है कि उनके स्कूल में टीचर नहीं है, ऐसी कई सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। निश्चित तौर पर एक अभिनव प्रयोग है और इससे इन ग्रामीणों को राहत मिले, इनकी समस्याओं का निराकरण हो, यही उद्देश्य लेके हम लोग। सर, ये विजयगंज मंडी के थाने प्रभारी ये वो भी यहाँ पे खड़े थे, स्टाफ भी यहाँ पर खड़ा थे और शिकायत पुस्तिका में भी आपने नोट करवाए थे, तो अब सर इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि जो समस्या यहाँ हल नहीं हुई है वो जल्द से जल्द जो है आपके द्वारा हल की जाएगी? बिल्कुल, जो समस्याएँ यहाँ हल नहीं हुई है, हमारे यहाँ आना ही इस बात का प्रतीक है कि समस्याओं का बोझ और लंबा खींचना नहीं है, उनका त्वरित निराकरण होना चाहिए, वो किसी भी स्तर की हो। लगातार कार्यक्रम जारी रहेगा, ये कार्यक्रम की आज शुरुआत देवास जिले में विजयगंज मंडी थाने से हुई है। पूरे देवास जिले के समस्त गाँव में हमारी पुलिस जाएगी, अ वर्ग, ब वर्ग, स वर्ग, सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। मैं स्वयं भी अधिकतम गाँवों को जाऊंगा और कई सारे कार्यक्रमों में हम और कलेक्टर साहब साथ में जाएंगे। निश्चित तौर पर इससे हमारे ग्रामीण बंधुओं को, मालवा हमारा शांत जिला है और इन लोगों को यदि इससे राहत मिलती है, ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय रहेगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।